गला कैसे तैयार करें? क्या गला तैयार करने के लिए सिर्फ रियाज काफ़ी है? और जो हम चीज़ें सीखते हैं, अलंकार गाते हैं या अलग अलग लयों में स्पीड में अलंकार गाते हैं, अलग अलग पलटे गाते हैं, क्या वो सारी चीज़ें ठीक हैं? ताने जो हैं वो अच्छी अच्छी हम ले रहे हैं तो क्या इससे हमारा गला तैयार हो जाएगा? जो कण, खटके, मुरकी, गमक, ये सारी चीज़ें हैं, ये आ जाएंगी या इतना ही काफ़ी है? आइए इस पर बात करते हैं। पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि गला कैसे तैयार होता है और क्या सिर्फ रियाज ही काफ़ी होता है या नहीं। मॉर्निंग वोकल रियाज लेसन्स, आपकी पूरी सिलेबस वाली क्लास, यहां तक कि फ्री सैटरडे सेशंस, सब कुछ अवेलेबल है संगीत धारा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए और उठाइए लुत्फ इन सारी फैसिलिटीज का। कुछ साल पहले एक वीडियो दिया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि दो ऐसी चीजें होती हैं जो आपको तय रखनी होती हैं अपने साथ जब आप संगीत सीखने आए हो। वही दो चीजें आपको एक अच्छा संगीतकार बनाती हैं, वो होती हैं गले और दिमाग का बैलेंस, या फिर आप भले ही अगर एक वादक हैं तो आपके हाथों का और दिमाग का बैलेंस, या फिर आपके अगर आप कथक नर्तक हैं तो आपके शरीर का और दिमाग का वो एक कोऑर्डिनेशन, वो एक कॉम्बिनेशन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कैसे काम आता है? कहते हैं कि संगीत तीन पिलर्स पे टिका हुआ है, आदत, जिगर और हिसाब। ये तीन चीज़ें हैं। आदत है, कहते हैं तैयारी को, यानी आपकी बहुत अच्छी तैयारी, अभ्यास बहुत अच्छा है आपका, गला बहुत बेहतर चलता है, हाथ बहुत बेहतर चलते हैं, या आप डांस बहुत बेहतर करते हैं, आपका शारीरिक मूवमेंट जो है बहुत बेहतर है। दूसरी होती है जिगर। जिगर यानी उसका टेम्परामेंट, उसका मूड, उसके इमोशंस, उसका रस, उसके भाव, वो आपको मालूम है। जो भी चीज़ आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं या नाच रहे हैं, जो भी चीज़ है उसका रस भाव आपको मालूम है। और तीसरा होता है हिसाब, यानी उसकी गणित, कि वो कौन सी मात्रा से उठता है, कितनी ताल में है, क्या उसकी लयकारी है, क्या उसकी बांट है, क्या उसका मीटर है, वो सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो ही जाके ये तीन पिलर हैं जिस पर आपकी इमारत जो है खड़ी होती है और बहुत बेहतरीन आप एक कलाकार बन पाते हैं। जिनका एक भी पक्ष कमज़ोर होता है वो एक पूर्ण कलाकार नहीं माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं एक अपंगता है। अपंगता मतलब एक कहीं ना कहीं एक डिफेक्ट है, एक कमी उसमें रहती ही रहती है, कि या तो उसकी गणित कमज़ोर है उस संगीत के, यानी उसको ये मालूम नहीं चलता ताल कौन सी चल रही है, उसकी बांट क्या है, लय क्या है, या फिर उसे ये नहीं मालूम चलता कि उस गाने का रस क्या है, भाव क्या है। बड़ा ही नीरस, और तैयारी तो बड़ी अच्छी और बांट से गाता है, कैलकुलेटिव गाता है, लेकिन नीरस है, है ना। या फिर वो बहुत अच्छा ये सब चीज़ें समझता है, जानता है, बूझता है, लेकिन फिर गला काम नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली वो प्रेजेंट नहीं कर सकता, सिर्फ जहन में है, दिमाग में है। तो तीनों चीज़ों का बैलेंस ही एक अच्छा कलाकार बनाता है। उसी तरह से गला तैयार करने के लिए सिर्फ अलंकार या सिर्फ रियाज काफ़ी नहीं है, अच्छी चीज़ें सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, अपने गुरुओं का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ताउम्र उनके साथ रहिए, कुछ ना कुछ चीज़ें जानते रहिए, कुछ कुछ चीज़ें लेते रहिए, घरानेदार अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं जिनकी बनावटें जो हैं आपको काम आएंगी उनको सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी है आपको, आपको करना अपना ही है अंततो गत्वा, एट दी एंड आपको क्रिएट अपना ही करना है, लेकिन जब अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो ही अच्छी चीज़ें इमिटेट कर पाओगे, वरना तो बुरा सीख जैसा सीखा है, थोड़ा बहुत सीखा है तो उतना ही दिमाग में रहेगा, तो उतनी ही उपज निकलेगी। आपकी उपज में भी क्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आपका जो ग्रास्पिंग है उसमें क्वालिटी नहीं आए, है ना। अच्छा अच्छा कॉन्टेंट हम देखते हैं, जैसे कि कहते हैं, मैं कहता हूँ, मैं तो क्या, मनोज मंतरशे साहब जो हमारे राइटर हैं, पोएट हैं बॉलीवुड के, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने ये बोला कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है, बिना भरे आप छलक नहीं सकते हैं। तो जब तक आपने पढ़ा नहीं है तब तक आप लिख नहीं सकते। हम ये सोच के नहीं पढ़ते हैं कि अरे यार कहीं हमने जो पढ़ा है वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे, कॉपी हो जाएगा वो, तो है ना, तो कॉपी तो वैसे भी होगा, ऐसा कुछ नया आप लिख भी नहीं सकते, सिर्फ अंदाजे बयां आपका अलग हो सकता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आपका अलग हो सकता है, वरना लिखी तो वही चार बातें जा रही हैं अजल से आज तक, हमेशा से आज तक वही सारी बातें हैं, ठीक है। तो उसमें पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, यानी वो जो भरना है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी महत्वता को आप समझिए, उसकी क्वालिटी को आप समझिए। जितना क्वालिटी कंटेंट आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, उतना ही अंदर से निकलेगा। जितना अच्छा अच्छा आप लिटरेचर पढ़ते हैं उतना अच्छा अच्छा लिटरेचर आप लिख सकते हैं। जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप सुनते हैं, सीखते हैं, गाते हैं, आपकी कलाकारों की बहुत ही गूढ़ बातें, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिनमें एक बड़ा दिमाग लगा है, बहुत सारे संशोधन के साथ वो चीज़ें बनी हैं, जब ऐसी चीज़ें सीखते हैं वो भी बारीकी से, और यानी रटना नहीं है, उनको समझ के सीखेंगे तो आपके दिमाग से भी वही उपज निकलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि गला तैयार करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छी अच्छी बंदिशें जो हैं जो गुरुओं ने दी हैं उनको जब आप सीखते हो तो उन बंदिशों की एक तासीर है, वो बंदिश यूं ही नहीं बन गई है, उसमें बारीकियां होती हैं, है ना। जैसे मैं आपको गा के दिखाता हूं कुछ चीज़ें, राग मुल्तानी है।
अब इस मुल्तानी में एक किताबी बंदिश यह भी है, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन। ठीक है, बड़ी सादी सी सिंपल सी बंदिश है, और एक मेरे दादा गुरुजी की बंदिश है जो मैंने उनसे सीखी है। लो बीत गई रजनी, लो बीत गई रजनी, तुम बिना सजन, तुम बिना सागरी सजनी, बीत गई रजनी। अब ऐसी बंदिशें जब आप सीखेंगे, ऐसी कलाकारी पूर्ण चीजें अगर आप सीखते हैं, ऐसी बारीकियों वाली चीजें समझते हैं, सीखते हैं, गाते हैं, तीनों चीजें जब आप करते हैं, तब जाके गले में वो जगहें बनने लग जाती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें गाने से। इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि पुराने फिल्मी गाने आप गाइए बनिस्बत के नए फिल्मी गानों के, अगर आपको फिल्मी गाने ही गाने हैं तो। क्यों, उससे क्या बेनिफिट है? क्योंकि पुरानी चीज़ें इतनी संशोधन से, इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि वो चीज़ें जब आप गाते हैं तो गले में जगह पैदा हो जाती है उन चीज़ों को ही गाने से, है ना। तो वो बैलेंस आपको मालूम चलता है, जैसे पुराने फिल्मी गाने गाओगे तो उसमें मालूम चलेगा कि हरकतों का बैलेंस कितना है, ज़्यादा नहीं हो जाए, कम भी नहीं हो जाए, कितना चाहिए अप्रोप्रिएट अमाउंट में। जब आप जगजीत की चीज़ें गाते हैं तो आपको मालूम चलता है कि कैसे आवाज़ को साध के उस गज़ल को गाना है। जब मेहदी साहब को गाते हैं तो मालूम चलता है कि कैसे उस गज़ल को खिलाना है क्लासिकल रंग में देके। जब आप गुलाम अली जी को गाते हैं तब आपको मालूम चलता है कि कैसे खेलना है उन सुरों से, ठीक है। तो ये हर जने की, हर इंसान की अपनी एक खूबसूरती है, काबिलियत है, और हर चीज़ वैसे ही बनी है। तो अच्छी अच्छी बंदिशें गाएंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके गले में बैठेंगी, अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस गाइए, है ना। ऐसा नहीं फजूल चीज़ें गाओगे तो उससे गले में वही चीजें बैठेंगी, है ना। तो जैसा गाओगे वैसा गला बनेगा, वैसा तैयार होगा। इसलिए अच्छी चीजें सीखो, अच्छी बंदिशें सीखो, तो बारीकियां अपने आप गले में आएंगी। लेकिन सीखने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ रटो, सिर्फ याद करो, नहीं, उन्हें समझो कि उसमें वो बारीकी है तो किस वजह से है, वो उनसे जानो। उस कंपोजर से अगर आप सीख रहे हो, उस गुरु से आप सीख रहे हो, तो जानो कि ये लाइन की कंपोजिशन ऐसी क्यों है, है ना। तो उसमें मालूम चलेगा। अब जैसे मैंने गाया, बीत गई रजनी, लो बीत गई रजनी, इसमें कई बार मैं गाता हूं तो इसे गाऊंगा मैं, बीत गई रजनी, बीत गई, बीत को मैंने लंबा लिया। तो क्यों किया? क्योंकि उसके पीछे की एक फिलॉसफी है, वजह है कि मैं बता रहा हूँ कि रात बीत चुकी है, यानी वो समय जा चुका है, यानी वो कितना लंबा गुजरा होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बगैर गुजरा है, है ना, तुम्हारे बिना मैंने वो समय बिताया है। तो वो ऐसा लगा कि वो समय एक रात भी, मतलब ऐसा लगा कि एक साल के बराबर हो गई। तो ये थॉट, ये फिलॉसफी उस राइटर ने इसमें रखी, उस कंपोजर ने इसमें रख के ही इसकी धुन बनाई। तो ये सारी चीज़ें जब आप जानोगे, सीखोगे, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। जब आप मेहदी साहब की चीज़ें गाते हो तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि उन्होंने वहाँ वो रस दिया है तो इस वजह से दिया है, ये लाइन को इस तरह से घुमाया तो इस वजह से दिया है, है ना। अब जैसे मैं एक आपको उनकी गजल का एग्जांपल देता हूं, शोला था जल बुझा हूं हवाएं मुझे न दो। इसका वो शेर जब गाते हैं तो ऐसा कभी न हो के पलट कर ना सकूं। अब उन्होंने जब गाया ऐसा कभी न हो, तो उन्होंने उसमें बताया, एक इंटरव्यू में आप सुनेंगे कि उन्होंने बताया कि यहाँ मैंने जो लरस दी है, यहाँ जो कंपन या जो हिलाया है सुर को, वो इंकार को मैंने दिखाया है, इंकार का मानवीयकरण किया है, यानी आप मना कर रहे हैं कि ऐसा कभी ना हो, है ना। तो वो आप कहते हैं ना कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये हाथ जब हिलता है यानी आप इनकार में वो है, तो उन्होंने सुरों में वो हिलाव दिखाया है कि पलट कर। अब पलट के किस सुर आप देखिए, पलट कर ना सकूं, ऐसा कभी न हो के पलट कर, के पलट कर, इसमें भी ड्रामा है जी जी, पलटने में के पलट कर, ये गलत हो गया, ऐसे अभी से कह सकते थे, कुछ और भी कह सकते, ऐसा
कभी ये जमजमा ऐसा कभी ना हो, लफ्ज तो ये है ना, ऐसा कभी ना हो, तो वो इनकार का इशारा ना का इशारा से जमजमा ऐसा, ऐसे में हैरत आ गई या खौफ ऐसा, सही बिल्कुल सही। वैसे भी आप जब कहेंगे ऐसा कभी ना हो, जी यूं कहेंगे ऐसा कभी ना हो के पलट कर ना सकूं। तो ऐसी ही चीजें हैं जब आप सीखते हैं और जानते हैं कि ऐसी कंपोजिशन क्यों बनी है, ऐसे शब्द यहाँ क्यों आए हैं, यानी संशोधन यानी दिमाग में जब वो सारी चीजें बैठती हैं तब जाके गला उस तरह से तैयार होता है ऐसी चीजें गाने से। अच्छी चीजें गाओ अच्छा तैयार होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं ऐसी ही जो इस चैनल पे होती हैं अक्सर। मैं, मेरे पिताजी, मेरी बहनें, हम लोग यही मकसद लेकर चल रहे हैं कि आप तक कुछ ना कुछ नया पहुंचाया जाए। तो देखिए हमारे चैनल्स को, म्यूज़िकल बडीज़ को, द म्यूज़िक फ्लो को, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को, संगीत धारा हमारा जो नया ऐप है, नया चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।